साइंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अराउंड 90 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा और 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है। साथ ही साथ ये भी माना गया है कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अराउंड 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, जिनमें कि 100 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन तक स्टार्स हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब यूनिवर्स में इतना सब कुछ है तो ऑब्वियसली अबाउट ट्रिलियंस ऐसे भी प्लैनेट्स होंगे जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हों, जिसका मतलब है कि हम इंसानों के अलावा भी कई सारी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती होंगी, राइट? लेकिन आखिर वो सब है कहाँ? 13.7 बिलियन ईयर्स के बाद तो पूरा स्पेस डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के फ्लाइंग सॉसर से भर जाना चाहिए था। अब ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। As we convene here, UAP are in our airspace. Nevada is abuzz tonight with stories about meeting the newsmakers, the people behind some of these major headlines. The Pentagon was operating a secret UFO retrieval program. अगर कोई अदर फॉर्म ऑफ स्पीशीज किसी अदर गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती भी हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम उनके बारे में जान सकें। बेसिकली कुछ गैलेक्सीज के ग्रुप को लोकल ग्रुप कहते हैं। अब क्योंकि यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपेंड होता रहता है, तो हमारी नेबर गैलेक्सीज भी काफी तेजी से दूर जाती जा रही हैं। अगर हम इवन लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तो इन गैलेक्सीज तक पहुंचने के लिए बिलियन ईयर्स लगेंगे, जितना कि हमारा लाइफ स्पैन होता ही नहीं है। तो फिलहाल तो अदर गैलेक्सीज में ट्रेवल करके लाइफ ढूंढना तो एक सपना ही है। लेकिन निराश मत होइए, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि एक गैलेक्सी में 100 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन स्टार्स तक हो सकते हैं, और हर स्टार का अपना सोलर सिस्टम तो होता ही है। तो ज्यादा दूर न जाते हुए हम सिर्फ गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे या कहें आकाशगंगा की ही बात करते हैं। ऐसा माना गया है कि आकाशगंगा में अराउंड 400 बिलियन स्टार्स हैं। मतलब सोचिए जरा, इतने स्टार्स कि अगर आप एक सेकंड में एक स्टार गिनते हैं तो आपको 100 जन्म लगेंगे इन्हें गिनने में, और हो सकता है कि तब भी पूरे ना गिन पाओ। अब इन स्टार्स में से 20 बिलियन स्टार्स ऐसे भी हैं जो कि सन की तरह हैं, यानी कि उन स्टार्स के सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स ऐसे भी होंगे जिनमें कि लाइफ एग्जिस्ट कर सके। और साइंटिस्ट का मानना है कि इनमें से 1/5 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनमें कि हमारी तरह कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब अगर इन सब प्लैनेट्स में केवल 0.1% प्लैनेट्स भी ऐसे हुए जिनमें कि लाइफ अच्छे से फल फूल रही हो, तो अराउंड 1 मिलियन प्लैनेट्स ऐसे होंगे जिनमें कि कोई अदर फॉर्म ऑफ स्पीशीज 100% होगी। लेकिन जरा रुकिए, साइंस के अकॉर्डिंग आकाशगंगा 13 बिलियन ईयर्स पुरानी है, राइट? अब अर्थ क्योंकि 4 बिलियन ईयर्स पुराना है, तो इसका मतलब है कि अराउंड 2-4 बिलियन ईयर्स में लाइफ फॉर्म हो जानी चाहिए। तो 13 बिलियन ईयर्स में ट्रिलियन चांसेस हैं कि लाइफ अदर प्लैनेट्स में जरूर फॉर्म हुई होगी। अब अगर उन सभी लाइफ फॉर्म्स में से किसी भी एक सिविलाइजेशन ने स्पेस ट्रैवलिंग को सच कर दिया होता, तो अब तक तो हमें पता चल ही जाता। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये लाइफ फॉर्म्स कैसी दिखती होंगी? वेल, साइंस के पास इसका भी आंसर है। साइंस की माने तो 3 तरह की सिविलाइजेशन हो सकती हैं: टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन एंड टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जो कि अपने प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हम भी टाइप 1 सिविलाइजेशन हैं, तो वेल हम अभी 0.73% टाइप 1 सिविलाइजेशन हैं, और आने वाले कुछ 100 सालों में हम कम्प्लीटली टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। तो अब अगर बात करें टाइप 2 सिविलाइजेशन की, तो वो सिविलाइजेशन इतनी स्मार्ट होगी कि वो अपने स्टार या कहें अपने सन की एनर्जी को हार्नेस कर सके और उसे यूज कर सके। टाइप 3 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होगी जो कि पूरी गैलेक्सी और उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर सकेगी। अब जो एलियंस इतने स्मार्ट होंगे और गैलेक्सी को कंट्रोल कर पाएंगे, वो करेंटली हमारे लिए तो गॉड लाइक एंटिटी ही होंगे। अब अगर कोई एंटिटी ऐसी है जो कि टाइप 3 सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है, तो ऑब्वियसली कुछ बिलियन सालों में वो पूरी गैलेक्सी में कॉलोनीज बना चुकी होंगी। और अगर ऐसा है तो आखिर इनका कोई भी ट्रेस क्यों नहीं है? ये सिविलाइजेशन अगर सच में एग्जिस्ट करती है तो आखिर ये है कहाँ? क्योंकि ये हमसे ज्यादा समय तक तो जी ही चुकी है, तो ऑब्वियसली ये टाइप 3 सिविलाइजेशन तो बिलियन ऑफ ईयर्स पहले ही बन चुकी होंगी, राइट? तो इन्होंने आखिर हमसे अब तक कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? वेल, यही सवाल साइंटिस्ट को भी परेशान कर रहा है, और इसे साइंस द फर्मी पैराडॉक्स कहती है। और इसका ठोस आंसर फिलहाल तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ आइडियाज तो जरूर हैं। साइंस की स्पेकुलेशन है कि जब कोई फॉर्म ऑफ स्पीशीज, फॉर एग्जांपल हम, जब एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, तो अपने विनाश का कारण खुद ही बनते हैं।
करेंटली भी हमारे पास कई सारे ऐसे वेपन्स हैं जो कि अगर यूज किए जाएं तो पूरी हमारी ह्यूमन रेस को ही खत्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से एआई एडवांस करता जा रहा है, हो सकता है कि हमारे एंड का कारण एआई ही बने। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि जो लाइफ फॉर्म्स हमसे पहले किसी और अदर प्लेनेट पे पनपी हो, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो जिसकी वजह से उनकी एडवांसमेंट ही उनकी डिस्ट्रक्शन का कारण बनी हो। दूसरी स्पेकुलेशन ये है कि हो सकता है कि कोई स्पीशीज टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुकी हो और अदर लाइफ फॉर्म्स को मॉनिटर कर रही हो, एंड अगर वो किसी और सिविलाइजेशन को एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा एडवांस होते हुए देखती हैं, तो हो सकता है कि वो टाइप 3 सिविलाइजेशन ही जाके उन्हें इरेडिकेट कर देती हो। एक और थियरी है जिसके अकॉर्डिंग जैसे कि गेम्स में होता है कि हमारे पास एक कैरेक्टर होता है जिसे कि हम कंट्रोल करते हैं और हमारे लिए गए डिसीजंस या कहें किए गए एक्शंस की वजह से ही आगे की स्टोरी कंटिन्यू होती है। गेम डेवलपर्स एक एक सिनेरियो और डिसीजन को अच्छे से सोच समझ के पहले ही प्लान कर लेते हैं और गेम में प्रोग्राम कर देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हो सकता है कि हमें भी इन टाइप 3 सिविलाइजेशन ने प्रोग्राम किया हो और हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी आगे की स्टोरी फॉर्म होती है। जिस तरीके से गेम्स में कुछ रेगुलेशंस होती हैं कि आप कोई सर्टेन टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक वैसे ही हम पे भी नेचुरल बाउंडेशंस हैं जिन्हें कि हम तोड़ नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं इस थियरी से ये प्रूफ होता है कि कोई ना कोई क्रिएटर है जिसने कि हमें बनाया है और हमें ऑब्जर्व कर रहा है। तो कहीं वो क्रिएटर ये टाइप 3 सिविलाइजेशन तो नहीं है या फिर उससे भी ज्यादा एडवांस कोई और सिविलाइजेशन है? वेल, ये सब तो हम अभी फिलहाल नहीं जानते हैं, लेकिन इस थियरी को द सिमुलेशन थियरी कहते हैं। और अगर इस थियरी के बारे में आपको और अच्छे से जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं, उसमें मैंने इसे एकदम अच्छे से समझाया है। और अगर आपको जानना है कि क्या हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।